Hello everyone, welcome. Today we will solve math worksheet. आज हम math की worksheet को solve करेंगे और सीखेंगे what comes before. तो हम सीखेंगे कि first number कैसे आता है. तो इसको सिखाने का एक easy pattern है कि हम बच्चे को 1 to 10 के number इस तरह से left to right लिख कर देंगे, इस पैटर्न से लिख कर देंगे. हमें लेफ्ट टू राइट तक नंबर लिख के देने हैं, अप टू डाउन नहीं लिखने हैं, इस पैटर्न से नहीं लिखने हैं. अगर आप इस तरह से लिखोगे तो बच्चा पजल हो जाएगा. तो मैं मेरे स्कूल में भी स्टूडेंट्स को इसी पैटर्न से सिखाती हूँ और बच्चा इजीली सीख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसे. तो हमें इस पैटर्न से सिखाना है. तो हमारा नंबर है 7. तो हमें बच्चे से पूछना है कि 7 के बिफोर कौन सा नंबर आता है. तो यहाँ पर हमें इजी हो जाएगा बच्चे को दिखाना कि 7 कहाँ है. बच्चे को नंबर्स की पहचान तो होती है, तो हमें पूछना है कि 7 के फर्स्ट पहले कौन सा नंबर आ रहा है. तो बच्चा बड़ा इजीली से बता देगा 6. तो हमें यहाँ पर 6 फिल करवाने हैं इस तरह से. नेक्स्ट है 6. अब हमें उसी पैटर्न से ही काउंटिंग लिख कर देनी है बच्चे को, और 6 के फर्स्ट बिफोर कौन सा नंबर आ रहा है सर्च करवाना है इस तरह से. तो 6 के पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है 5 नंबर. बच्चा बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसे सीख जाएगा. अब है हमारा नंबर 8. तो हमें सर्च करवाना है कि 8 से बिफोर कौन सा नंबर आ रहा है. 8 से पहले कौन सा नंबर है? 7. नाइन. तो 9 के बिफोर कौन सा नंबर है? क्योंकि हमने जो काउंटिंग लिखी है उसी पैटर्न से लिखी है, वर्ड कम बिफोर आफ्टर बिटवीन इसी तरह से सिखाए जाते हैं. तो हमने जो नंबर्स लिखे हैं वो भी इसी पैटर्न से लिखे हैं, इजी तरीके से सिखाया गया है यहाँ पर. तो 9 के पहले है 8. 5. तो हमें 5 के पहले का नंबर सर्च करना है 4, और इस तरह से फिल करवाना है. थ्री. तो 3 के पहले बिफोर है 2. अब हमारा नंबर है 4. 4 के फर्स्ट है 3. इस पैटर्न से बच्चा खुद ब खुद ही नंबर्स बताएगा आपको. तो इसी तरीके से जैसे 11 टू 20 तक के नंबर्स हमें बिफोर में पूछे जाएंगे, तो हम उसी पैटर्न से जैसे हमने 1 टू 10 तक के नंबर लिख कर दिए हैं, 11 टू 20 के भी लिख के दे सकते हैं और सर्च करवा सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड कम्स आफ्टर. Thank you. Have a good day.